श्री शिव ज्ञान सिंह शर्मा जी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं और स्वर्गीय श्री शिव ज्ञान सिंह शर्मा जी के सुपुत्र अनिल कुमार शर्मा जी एवं अवनी शर्मा जी जो कि बहुत ही सुंदर अपने कर्मों को करते हुए पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने कर्मों को कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र का परम कर्तव्य होता है मातृभक्ति एवं पितृभक्ति। संतान वही कहलाने योग्य होता है जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति रखता हो, वही संतान धन्य है जो अंतिम समय में माता पिता की सेवा करता है। क्योंकि पुत्र तो बहुत होते लेकिन पुत्र वही धन्य है जो माता पिता के बड़े लोग होंगे जो माता पिता के पैरों में हाथ लगाते होंगे लेकिन पैरों में भी हाथ लगाना बंद कर दिए। आजकल कैसे परंपरा चली है, कोई घुटने में हाथ लगा रहा है, कोई कमर में हाथ लगा रहा है, अब धीरे धीरे वो भी बंद हो रहा है। महाराज घुटनों में पैरों में हाथ कमर में हाथ लगाने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है तो उनके चरणों में हाथ लगाओ। महाराज दशरथ के चार पुत्र थे तो चारों पुत्रों को महाराज दशरथ ने शिक्षा दिया था कि बेटा जब भी अपने से बड़ों के पैरों में हाथ लगाना हो या प्रणाम करना हो तो कैसे प्रणाम करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि प्रातःकाल उठ करे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्र जब प्रातः काल होता था तो बड़े बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते थे। पहले के हमारे माता पिता भी यही शिक्षा देते थे कि बेटा जब सो करके उठो तो माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाया करो। आशीर्वाद में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर सच्चे मन से आप किसी का आशीर्वाद लो तो आपके सामने चाहे मौत खड़ी हो वो भी आपको देख करके पीछे हट जाएगी। इतनी बड़ी आशीर्वाद में शक्ति है लेकिन हम लोग आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं। पहले लोग लेट करके अपने बड़ों के चरणों में गिरते थे तो वरदान दे दिया तो ये लंबी आयु ही भोगेगा, ये मरने वाला नहीं है। तो कहने का भावार्थ है कि महाराज अगर हम आप कर्म करें, जैसे कर्म ये नहीं होता है कि घुटने में हाथ लगा रहे कमर में हाथ लगा रहे अब धीरे धीरे वो भी बंद हो रहा है, हाथ हिला देते बात खत्म हो गई। महाराज ये किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं पैरों में हाथ लगा करके, ये अपने शरीर को निरोग रखने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ों के पैरों की मिट्टी अगर हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो हमारा मस्तक पवित्र हो जाता है और जब पवित्र हो जाए तो हमारे से पाप नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा
कर्म जो होता है वो पाप का नहीं करता हूं। कहते बड़ी विचित्र बात है, ना तो आप वैकुंठ में रहते हो, ना क्षीर सागर में रहते हो, ना संत महात्माओं के हृदय में रहते हो, फिर कहां रहते हो। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर दिए, पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे नारायण, ये पुण्यात्मा जहां कहीं भी है, आप इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए और इस परिवार पर, उनके जो पीछे पुत्र परिवार है, उन पर कृपा की दृष्टि बना के रखना। जो उन्होंने मार्ग बना करके गए हैं, उस मार्ग का सदैव अनुकरण करते रहे, धार्मिक मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चल करके सदैव सत्य की रक्षा करते रहे। ऐसे आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो श्री राम जय राम, बोलो आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की जय। पहली बार ही बीमार हो गए, सारे 85 साल की उम्र से पहली बार बीमार हो गए। सो जाना सारा नहीं है, हर की बार नहीं है, पर अभी अब से है, इसे दूध अगले चले जाना है, पीछे चले जाना है। सो फिर भी जो बुजुर्गों की कमी होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, पूर्ण
श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने कर्मों को कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र का परम कर्तव्य होता है मातृभक्ति एवं पितृभक्ति। संतान वही कहलाने योग्य होता है जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति रखता हो, वही संतान धन्य है जो अंतिम समय में माता पिता की सेवा करता है। क्योंकि पुत्र तो बहुत होते, लेकिन पुत्र वही धन्य है जो माता पिता के बनाए अंतिम समय में माता पिता के वैदिक विधि के अनुसार कर्मों को पूर्ण करे, वही पुत्र कहलाने योग्य है। महाराज, इस संसार में कोई अमर होकर के नहीं आया है, कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, कोई दो चार दिन बाद जाएगा, जाना तो निश्चित है। यहां कोई अमर नहीं हुआ है को प्राप्त हो तो वही मनुष्य धन्य कहलाता है। एक उरण होता है जब माता पिता के अंतिम समय में साथ दे। जन्म ले लेने से पुत्र का कर्म पूर्ण नहीं होता है। पुत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन आज जैसे हम आप जैसे पुत्र नहीं चाहिए। आज हम आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, चलते रहते हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जो सबसे बड़े भगवान हैं उनको हम आप ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़े भगवान माता पिता होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सर्व तीर्थ मई माता सर्व देव मयो पिता। संसार में माता पिता से बढ़कर के ना कोई तीर्थ है और ना ही कोई देवी देवता है। हम आप ना जाने कहां कहां भटकते रहते भगवान को प्राप्ति के लिए। पहले के लोग होते थे तो माता पिता चाहे कितने भी वृद्ध क्यों ना हो जाए, आंखों में दिखाई नहीं देता था, कानों में सुनाई नहीं देता था, हाथ पाव काम नहीं करते थे, लेकिन पुत्र कभी माता पिता के बराबरी करके बैठता नहीं था। अगर माता पिता बैठे हो तो पुत्र खड़ा रहता था। आज के संतान को देखिए कि माता पिता चाहे बैठे हो या ना बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतान को पुत्र को बैठने के लिए आसन जरूर चाहिए। महाराज, इस संसार में कर्म ही प्रधान है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति मिलेगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। फल क्या होता है? अगर आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो निश्चित है कल हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। अगर हम अपने माता पिता की आज सेवा नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे निश्चित है धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम माता पिता की सेवा बताया गया है। संतान का परम कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा। हर एक माता पिता को यह चाहना होती है कि हमारे घर में बेटा हो। हर एक माता पिता ये चाहते हैं। अगर किसी के एक दो लड़कियां हो गई, बेटियां हो गई, तो उदास हो जाता है कि बेटियां बेटियां हो रही हैं, बेटा एक भी नहीं है। बेटी में और बेटे में कोई अंतर नहीं है।
लेकिन फिर भी मन में चाहना होती है कि चाहे एक ही बेटा हो लेकिन बेटा अवश्य हो। क्यों होना चाहिए? वंश बढ़ाने के लिए कोई माता पिता इच्छा नहीं रखते कि हमारा वंश बढ़ेगा, हमारा नाम चलेगा। नाम चलाने के लिए कोई माता पिता इच्छा नहीं रखते कि हमारे घर पुत्र हो। हर एक माता पिता के मन में इसलिए इच्छा होती है कि जिस प्रकार से एक माता पिता छोटे बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है दो चार महीने का हो जाता है तो उसको माता पिता कैसे पालन पोषण करते हैं, रोने की आवाज सुने तो भागते हैं डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास, तांत्रिकों के पास कि ना जाने आज हमारे बेटे को क्या हो गया है, इतना रो रहा है। और उसको कभी कंधे पर बिठाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी सिर में बिठाते हैं। वो इसलिए नहीं बिठाते हैं, वो माता पिता शिक्षा देते हैं, अपनी संतान को शिक्षा देते हैं कि बेटा आज मैं जिस प्रकार से तुमको अपने सीने से लगा रहा हूँ, अपने गर्दन में बिठा रहा हूँ, अपने सिर पर बिठा रहा हूँ, अपने कंधे पर बिठा रहा हूँ, इसी प्रकार जब कल मेरा बुढ़ापा आए, चौथापन आता है ना, पहले बालापन होता है, फिर युवावस्था होता है, फिर जवानी होती है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। 60 वर्ष की आयु के बाद कहने लगते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग क्या करते हैं? एक बच्चे जैसी हरकत, जैसे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करने लगता है, वैसे बुजुर्ग भी छोटी छोटी फालतू लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि जैसे बच्चे जिद करते हैं उसी प्रकार से 60 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे में माता पिता की भी अवस्था एक बच्चे की तरह हो जाती है। तो माता पिता बचपन में शिक्षा देते हैं कि बेटा जिस प्रकार से मैं तुम्हें अपने कंधे पर, सीने में, पीठ पर बिठा करके तुम्हारा पालन पोषण किया, सीने से लगा करके, कंधे पर उठा करके मेरी जरूरतों को पूर्ण करना और मेरी सेवा करना। असंख्य लोग होंगे जो माता पिता के पैरों में हाथ लगाते होंगे, लेकिन पैरों में भी हाथ लगाना बंद कर दिए। आजकल कैसे परंपरा चली है, कोई घुटने में हाथ लगा रहा है, कोई कमर में हाथ लगा रहा है, अब धीरे धीरे वो भी बंद हो रहा है। महाराज घुटनों में, पैरों में हाथ, कमर में हाथ लगाने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है तो उनके चरणों में हाथ लगाओ। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे तो चारों पुत्रों को महाराज दशरथ ने शिक्षा दिया था कि बेटा जब भी अपने से बड़ों के पैरों में हाथ लगाना हो या प्रणाम करना हो तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि प्रातःकाल उठ करे रघुनाथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों पुत्र जब प्रातः काल होता था तो बड़े बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते थे। पहले के हमारे माता पिता भी यही शिक्षा देते थे कि बेटा जब सो करके उठो तो माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाया करो। आशीर्वाद में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर सच्चे मन से आप किसी का आशीर्वाद लो तो आपके सामने चाहे मौत खड़ी हो वो भी आपको देख करके पीछे हट जाएगी। इतनी बड़ी आशीर्वाद में शक्ति है, लेकिन हम लोग आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं।
पहले लोग लेट करके अपने बड़ों के चरणों में गिरते थे तो बड़े पहले बच्चे लेट करके बड़ों के पैरों में लेट करके प्रणाम करते थे तो बड़े बुजुर्ग दोनों हाथ उठा करके कहते थे आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तुम्हारी आयु अखंड हो जाए, अमर हो जाओ, निरोग रहो। और आज जिंदे रहो। अरे ऐसे जीना किस काम का जो चौबीसे घंटे परेशानी में ही रहे। आज ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना गोली दवाई का चलता हो। दिन में एक दो बार गोली जरूर खाता होगा, अगर न खाए तो बिस्तर से उठ नहीं सकता है। और पहले के लोग सौ सौ वर्ष से ऊपर हो जाते थे, कभी गोली दवाई का नाम मात्र तक नहीं पता होता था। तो आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि महाराज सच्चे मन से अगर आशीर्वाद ले लिया जाए तो मौत भी पीछे हट जाती है। एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी की उम्र चौथे अवस्था में पहुंच गई, यानी 60 वर्ष की आयु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। महात्मा जी से नहीं चल रहा है। ऐसे महात्मा जी भी उदास हो गए। महात्मा जी बड़ा उपाय किए, भगवत भक्ति किए, परमात्मा से प्रार्थना किया, क्योंकि भगवान की भक्ति किए महात्मा जी और परमात्मा की कृपा से उनको पुत्र हुआ। तो जैसे हम आप खुश होते हैं अगर किसी के घर में बेटा हो गया, पोता हो गया, दोता हो गया, तो हम आप बहुत खुश होते हैं कि आज सिर्फ 10 साल की है, 10 साल बाद ये बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब बताइए, एक तो पुत्र नहीं हो रहा था और दूसरा किसी उपाय से अगर बेटा हुआ भी तो उसकी मृत्यु बहुत जल्दी है। और जिस माता पिता को पता चल जाए कि हमारे संतान की मृत्यु होने वाली है तो उस माता पिता के ऊपर क्या स्थिति बीतती होगी वो उन्हीं को पता होता है। महात्मा जी बड़े उदास हुए, विचार करने लगे कि अगर मैं ये बात अपनी पत्नी को बता दूंगा तो किसी तरह सहन नहीं कर पाएगी। पिता एक बार कोई बात छुपा भी सकता है, सहन कर भी सकता है। कहते आदेश कीजिए, कौन सा काम है। तो महात्मा जी अपने पुत्र को कहते हैं कि बेटा ऐसा किया करो कि आज से तुम रोज कहीं भी किसी बुजुर्ग को देखो तो उसको लेट करके प्रणाम किया करो। कहते पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना उदास होंगे। कहते बेटा ये तुम्हारे लिए छोटी है लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं है। कहते ठीक है। वो बच्चा उस दिन से कहीं भी बड़े बुजुर्गों को देखता था, खेलना कूदना बंद करके दौड़ता हुआ जाए और बुजुर्गों के पैरों में लेट करके प्रणाम करे। तो अगर किसी का बच्चा हमारे आपके पैरों में लेट जाए, गिर जाए, तो निश्चित है हम लोग उसको उठा के सीने से अवश्य लगाएंगे और यही कहेंगे कि देखो कितना सुंदर बालक है, इसमें कितने सुंदर संस्कार हैं कि अपने कर्मों को विधि विधान के साथ पूर्ण कर रहा है। दीर्घ लंबी आयु की आप वरदान दे दिए और इस बच्चे की आयु बहुत थोड़ा है।
भोलेनाथ कहते पार्वती अब एक बार जो मेरे आयु का वरदान दे दिया तो ये लंबी आयु ही भोगेगा, ये मरने वाला नहीं है। तो कहने का भाव आता है कि महाराज अगर हम आप कर्म करें, जैसे कर्म ये नहीं होता है कि घुटने में हाथ लगा रहे, कमर में हाथ लगा रहे, अब धीरे धीरे वो भी बंद हो रहा है, हाथ हिला देते बात खत्म हो गई। महाराज ये किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं पैरों में हाथ लगा करके, ये अपने शरीर को निरोग रखने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ों के पैरों की मिट्टी अगर हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो हमारा मस्तक पवित्र हो जाता है, और जब पवित्र हो जाए तो हमारे से पाप नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा कर्म जो होता है वो पाप कर्म होता है, यहाँ कोई किसी का होता नहीं है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का माता है, ना कोई किसी का भाई है, ना बहन है, ना सगे संबंधी, कौन किसका होता है। धन घर से साथ छोड़ देता है, पुत्र परिवार श्मशान तक जाएंगे साथ में, और फिर जैसे दाह संस्कार हो जाएगा अपने घर आ जाते हैं, पुत्र परिवार श्मशान तक साथ देते हैं, संसार से चला जाता है। यहाँ हम आप जो कहते कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये ऐसा है वैसा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी। एक दिन लोहार के दुकान से एक छोटे से लोहे का टुकड़ा जैसे हथौड़ा बजा तो वो चिटक करके सुनार के दुकान में पहुंच गया। तो जो सोना था वो लोहा से पूछने लगा कि भाई क्या बात है, तुम बहुत उदास हो, मेरा भी कर्म तुम्हारे कर्मों से अलग नहीं है, मुझे भी अग्नि में पकाया जाता है। सोना कहता है कि मुझे भी अग्नि में पकाया जाता है, तुम्हें भी अग्नि में पकाया जाता है, मुझे भी हथौड़ी से कूटा जाता है, तुम्हें भी हथौड़ी से कूटा जाता है, दोनों का दुख बराबर है, फिर भी तुम हमारे से ज्यादा उदास हो, कारण क्या है। तो लोहा कहता है कि भाई मेरे उदासी का कारण सुनो, तुम्हें जो मारता है वो तुम्हारा दुश्मन है, सोने को लोहे के हथौड़ी से कूटा जाता है, सोना का और लोहा का आपस में कोई मित्रता नहीं हो सकती। तो लोहा कहता है कि जो तुम्हें मारता है वो तुम्हारा दुश्मन है, और दुश्मन का काम ही है कि शत्रु को दुख देना, लेकिन जो मुझे मारता है वो मेरा अपना है, क्योंकि लोहे का टुकड़ा भी लोहे का है और हथौड़ी भी जो होती है वो भी लोहे की ही होती है, लोहे की हथौड़ी से ही लोहे को पीटा जाता है। तो कहता मुझे इस बात का दुख नहीं है कि रात्रि का समय सोने में निकाल दिए, 24 घंटे पूर्ण हो गए, कोई काम नहीं करते, आज हम आप अगर भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने के लिए भी एक सहयोगी ढूंढते कि कोई साथ में मिल जाए तो दोनों लोग बोलते हुए निकल जाएंगे। भगवान के मंदिर में जा रहे हो लेकिन फिर भी आप कोई साथी ढूंढ रहे हो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा 24 घंटे करो। भगवान कहां पर रहता, श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर कथा आई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाहं बसामि वैकुंठे योगीनां हृदे न च मद भक्तं यत्र कायन्ते तत्र तिष्ठन्ति नारदः। कई बात नहीं करता हूं, कहते बड़ी विचित्र बात है,
ना तो आप बैकुंठ में रहते हो, ना क्षीर सागर में रहते हो, ना संत महात्माओं के हृदय में रहते हो, फिर कहाँ रहते हो? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर दिए, मत भक्तम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदा। ऐ नारद, जहां पर मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो, अगर मेरा कोई भक्त मुझे सच्चे मन से कहीं पर भी बुलाता है, मैं वही पर अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं और वही प्रकट हो जाता हूं। मद भक्तम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदा। ऐ नारद, मेरे भक्त जहां कहीं भी मुझे बुलाते हैं तो मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूं। देखिए भक्त प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी उपस्थित हुए। शोक सभा का अर्थ क्या होता है? शोक सभा का अर्थ ये, लेकिन साथ में ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिसके निमित्त हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज यहां किसके निमित्त एकत्रित हुए हैं शोक सभा में? हमारे परम आदरणीय श्री शिव ध्यान सिंह शर्मा जी की याद में। इनके याद में एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जैसे एक कोई घड़ा है तो घड़े में अगर शर्मा परिवार के ही लोग पानी डालेंगे एक एक बूंद, तो घड़ा थोड़ी देर के बाद भरा जाएगा। अगर हम सब लोग सहयोग करके एक एक बूंद सब साथ में डालने लग जाए तो घड़ा कुछ ही क्षणों में भर जाएगा। तो आज यहां पर शोक सभा में उपस्थित हुए हैं कि अगर ये परिवार अकेला भगवान से प्रार्थना करेगा तो हो सकता है इनको परमात्मा के चरणों में पहुंचने में कुछ टाइम लग जाएगा। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर के भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो निश्चित है हमारे बीच में से किसी एक की आवाज परमात्मा के कानों में अवश्य पहुंचेगी। करके पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे नारायण, ये पुण्यात्मा जहां कहीं भी है, आप इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए और इस परिवार पर, उनके जो पीछे पुत्र परिवार है, उन पर कृपा की दृष्टि बना के रखना। जो उन्होंने मार्ग बना करके गए हैं उस मार्ग का सदैव अनुकरण करते रहें, धार्मिक मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चल करके सदैव सत्य की रक्षा करते रहें। ऐसे आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो आनंद कंद श्री रामचंद्र भगवान की जय।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਘਾਟ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਇਹੀ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आप सभी लोगों से आग्रह है कि भोजन प्रसाद करने के बाद ये अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें जिन लोगों का व्रत है